आपने बिल्कुल मजा उसकी छाप Okay, I would request all of you to please ask the questions in Hindi because she understands only Hindi. हाँ तो मैं भी हिंदी में बोलती हूँ जनाब आप सामने देखा सर मेरा नाम ऐश्वर्य चौबे है प्यार से सोनू बॉबी कुछ भी बोल लेते हैं पहले पूछना चाहूंगा कितनी खुशी मिल रही है एल्बम रिलीज हुआ इतने लोग आए मीडिया आई इतने गेस्ट आए कितनी खुशी मिल रही है आपको खुशियां है बहुत सारी लेकिन थोड़ी डिस्काउंट है सामने देखो लुक सामने क्यों क्या क्या रीजन क्या है सलमान अभी नहीं मिले सलमान इतनी दीवानगी सलमान के लिए क्यों भाई अच्छा आप अपने यहां करियर बनाना है कि मुंबई या सलमान से मिलने ये हकीकत बताइए आप सलमान से मिलने ऐसा क्या है सलमान में जो इतने ज्यादा पागल है उसके लिए किसी चीज का अगर मीनिंग लगने लगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता उसका कुछ तो आपकी वो जो मनोकामना पूरी हुई देखा उसे मिला उसे संतुष्टि अभी दूर दूर से देखी हो मुलाकात नहीं हुई है नहीं लेकिन आप मुंबई करने क्या ग्लैमर इंडस्ट्री में करियर बनाना है आपको आप तो सोच रहे हो कुछ ऐसा ही आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर मैं बिलोंग बिहार से करती हूँ लेकिन सब कुछ स्टडी पैदाइशी सब कुछ जम्मू कश्मीर की है जम्मू कश्मीर की हाँ जी और ये प्रोजेक्ट के बारे में बताओ सोनाक्षी के साथ प्रोजेक्ट कर रही हो उसके बारे में बताओ कितना सच है उस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या रोल प्ले कर रही हो उसमें सोनाक्षी सिन्हा के अपोजिट में मेरा रोल है थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव टाइप का कैरेक्टर है तोड़ फोड़ टाइप की लड़की रहती हूँ शूटिंग हो चुकी है होगी शूटिंग अभी आधी है कहाँ तक शूटिंग हुई है कहाँ शूटिंग हुई है शूटिंग बैंड्रा में हुई और कालागुड़ा करके कोई जगह वहाँ पे हुई और बस सुबह और ये प्रोजेक्ट मिला कैसे ये प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट कैसे मिला सर एक इत्तेफाक की बात थी मैं हमेशा गॉड से जाके प्रे करती थी मैं हमेशा खोजती थी कि शायद सलमान के साथ कोई मूवी मुझे मिल जाए तो उस दौरान मुझे एक एक ऑफर आया अकीरा मूवी के लिए मुझे लगा शायद सलमान साहब होंगे मैं गई तो वो नहीं थे वो नहीं सोनाक्षी हाँ मुंबई शायद मीरा रोड करके कोई जगह उधर शूट हुआ था और बहुत अच्छा लगा मुझे हाँ रोमांटिक है और कैसा सपोर्ट मिला प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बहुत अच्छा लगा कैलेंडर के बारे में बात करें क्या कहना चाहेंगे कैलेंडर आपने लॉन्च किए हैं किस तरह की उसमें फोटोग्राफी है क्या सर हॉट नहीं कह सकते हैं पर डिसेंट है लेकिन अच्छा है आप लोगों को पसंद आएगा सर ब्यूटी ब्यूटी के ऊपर है वो जैसे आप बोला कि आप जम्मू कश्मीर से हैं क्या इसके कहाँ पे शूट किया गया नहीं वो तो इधर स्टूडियो में शूट हुआ था थोड़ा आउटडोर इधर उधर हुआ था एल्बम के बारे में बात करें कभी कभी क्या किस तरह के एल्बम थोड़ा रोमांटिक टाइप का है अच्छा है काफी अच्छा है अभी आपने देखा सलमान के लिए सलमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे सलमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे कितने
फैन हैं आप सलमान के, कितने दीवाने हैं? सही चीज का अंदाजा आप लगा नहीं सकते हो, इस चीज का अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता है कि वैसे वक्त का इंतजार करते हैं कि क्या होता है, वो सब वक्त पता चल जाएगा। लेकिन इतना पता है कि मैंने बहुत कुछ खोया है यहाँ पे, मैंने बहुत सारे वक्त फेस किए सलमान के पीछे, यहाँ तक कि मैं हार्ट पेशेंट हो गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, बहुत सारी चीज। अभी भी मेरी इलाज चल रही है, अभी जो इनका वो दो दिन बाद का जो आया था, दो दिन बाद जो इनकी जेल हो जाएगी, लास्ट नाइट मैं भीड़ के सबसे पीछे चुपचाप खड़ी थी, मतलब एक लास्ट उम्मीद लेके देख रही थी कि क्या होगा। मतलब मुझे लग रहा था कि शायद झेल नहीं पाऊंगी ये चीज़ में, या तो हार्ट अटैक कर जाता या फिर कोमा में चली जाती फाइनली। फिर वहाँ से लास्ट कुछ भी नहीं था मेरे पास, माउंट मेरी में हमेशा जाती हूँ प्रे करने के लिए। आपको दीवाने हैं आप जैसे? नहीं सर, मेरे जैसे नहीं, क्या मेरे है, से क्या है? बहुत सारा अलग है। जेल हो जाती तो आप क्या करते? सब ये तो वक्त ही बताता। नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो आप, प्लीज तो फिर आपको जेल भेज देगी, प्लीज ऐसा मत बोलो। क्या होता है प्लीज ये मत बोलो। बस थैंक यू, थैंक यू।